बालाजी प्लॉट येथील संतोषी माता मंदिराजवळ 76 वर्षीय वृद्ध किशोर देवीदास चौधरी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून राहतात, मात्र त्यांच्या बाजूच्या खोलीवर दुसऱ्यांनी अनधिकृत प्रवेश करून खोटे गुन्हे दाखल केले असल्याचा आरोप वृद्धाने केला आहे. मैं मेरे दोस्त विठ्ठलराव शिरवाते के श्राद्ध कार्यक्रम में था. उस वहीं मैं 2 दिन था. 1 तारीख को शाम को चले गया था 8 बजे, लोग वहीं था. और 3 को सवेरे मैं आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि मैं घर को पुलिस आए थे. तो मैं गया, इंक्वायरी किया, तो मेरे को फिर मालूम पड़ा कि इन्होंने झूठा पासपोर्ट का रिपोर्ट मेरे में दर्ज कर दिया. कौन से तारीख को लगाया तुमने? 2-6 को घटना घटी तुम्हारे साथ? 2-6 को घटना घटी. इनको सवेरे मैं वहाँ जाया था घर पे, तो वहाँ मेरे को बाहर से मालूम पड़ गया कि पुलिस आई थी. उन्होंने फिर मैंने इंक्वायरी किया पुलिस स्टेशन से, मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे पे पासपोर्ट का आरोप लगाया, क्योंकि मैं उस दिन तो वहाँ था ही नहीं. फिर भी उन्होंने आरोप लगाया और पुलिस वालों ने बिना कुछ इंक्वायरी करे मेरे पे गुनाह दाखिल कर दिया. इसके लिए मैं इधर उधर दोस्तों के यहाँ भाई घूम रहा था. फिर मेरे एंट्री सेफ्टी बेल हो गई 27-6 को प्रशांत देशपांडे साहब ने करा दिए थे. चौधरी यांच्याशी ते वाद घालतात जेणेकरून चौधरींनी जागा खाली करावी. त्यांच्यावर लहान मुलीवर छेडछाड करण्याची तक्रारही राजापेठ पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप वृद्धाने केला आहे. 30-7 को भजन मंडळी मैं मंदिर में गया, तो वहां पर देखा मंदिर में तो उन्होंने हमको आने नहीं दिए, भजन भी करने नहीं दिए. और वहां पे रविकांत मोरे की औरत और ये उसकी माँ पिताजी और उसकी भांजी उसी गावंडे ये सब थे. और वहीं से हमको तो उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसा हो वैसा हो, मेरे को मार रखती है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ वैसे. और चिल्लाने से सब मोहल्ले के लोग वहाँ जमा हो गए, 20-25 जो भी थे आजू बाजू के, 50-60 जले बोलो या कितने. मैं तो बाहर चले आया वो आवाज़ सुन के. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी वृद्ध चौधरी आपल्या घरात आले असता त्यांच्या घरातील अलमारीतील सोन्याचे दागिने व नगदी चोरी झाल्याचंही त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी राजापेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी मोरे आणि गावंडे आणि एका महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. गावंडेला अटक करण्यात आली तर मोरे आणि एक महिला फरार झाली आहे. आता 10 दिवसांपूर्वी मोरे नामक व्यक्तीने पुन्हा एक महिला आणि 2 वृद्ध घरात आणून ठेवले आहेत. आपल्या स्वतःच्या घरात जाण्यास मोरे नामक व्यक्ती त्रास देत आहे. चौधरींनी कंटाळून घर सोडलं पाहिजे यासाठी त्यांच्या विरुद्ध खोट्या तक्रारी देत असल्याचा वृद्ध चौधरी यांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी राजापेठ पोलिसांनी तेथील महिलांचं बयान नोंदवलं तेव्हा अनेक महिला यांनी वृद्धाकडून बोलल्या आहेत, चौधरींकडून त्यांनी बाजू घेतली आहे. हे प्रकरण आता ACP गायकवाड यांच्याकडे चौकशीला आहे. अद्यापर्यंत वृद्ध चौधरीला स्वतःच्या घराचा ताबा मिळालेला नाही. फरार झालेला मोरे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. अगर तुम्हारा जो आप जो जहाँ घर में रह रहे हो, वो घर का क्या हुआ? वो घर का ताला तोड़ के रविकांत मोरे, रंजीत गावंडे और उसकी पत्नी सुवर्णा गावंडे, इन्होंने सब सामान निकाल के फेंक दिए, नीचे डाल दिए. उसके अंदर मेरा कीमती सामान था, देवी का 30-35 साल पुराना मंगलसूत्र, मेरा 15 ग्राम का गोप, 5 ग्राम की अंगूठी, 1 चांदी का ताट और 18,000 रुपये नकदी थे. वो मुझे मिले नहीं. उसका मैंने राजापेठ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उन तीनों को अभी तक अटक किया नहीं, रविकांत मोरे, रंजीत गावंडे और सुवर्णा गावंडे. और मेरा मुद्देमाल भी मुझे अभी तक वापस मिला नहीं है. तो आपने जो ये कंप्लेंट की यहाँ पर, तो राजापेठ में तो पुलिस वालों ने अभी तक एक्शन लिया नहीं? एक्शन लिया नहीं, उनको अटक भी नहीं हुई और कुछ भी नहीं, मेरा माल भी नहीं मिला और उल्टा मेरे पे खोटा आरोप करने की कोशिश कर रहे हैं. कौन से तारीख को आपने कंप्लेंट करी है? 30-7 को मैं जब गया 7-7:30 बजे मंदिर में दर्शन करने के लिए, कुछ महिलाएं थी मेरे साथ में,
तो जैसे हम मंदिर का दरवाजा खोल के अंदर घुसे वैसे ये पूजा मोरे उसकी माँ यानी रविकांत की माँ उसके पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लग गए और हमको मना कर दिया आने के लिए, दर्शन भी नहीं किया हमने। दूर से मैंने दर्शन करके बाहर भाग गया और चिल्ला वो चिल्लाने की आवाज सुनकर आजू बाजू के सब मोहल्ले के लोग जमा हो गए क्या हुआ करके। मंदिर तुम्हारे घर में है कि उनके घर के पास में? मंदिर मेरे घर के अंदर है, उनका कुछ लेना देना नहीं मंदिर से। तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारे पड़ोसी है क्या? नहीं आप पड़ोसी चाहे समझो। तो तुम्हारे घर के जो अंदर है हाँ। जो तुम्हारे वो बाजू से है कि तुम्हारे खुद का मकान में रह रहे हो? बाजू से है। वो मकान किसका था पहले? मकान मेरे मिसेस के नाम पर। तो मैं क्या हो रहा, आप पे जो भी गुनाह दाखिल हुआ हाँ। अभी तक खोटा जो गुना आप पे दिया, तो आप उसके लिए प्रशासन से क्या आग्रह कर रहे हैं अभी तक तुमने? मेरे प्रशासन से नम्र निवेदन है कि मुझे मदद करे और मेरे मदद करके मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दिए। और मेरे से फिर से झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं राजकीय दबाव में आकर। और यदि इन्होंने सरकार ने और प्रशासन ने मेरी मदद नहीं किया तो मुझे आत्महत्या करने के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पोलीस न्याय देत नसल्याचा आरोप या वृद्धाने केला असून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत आपण तक्रारींचं निवेदन पाठवलं आहे। आरोपींना अटक करून स्वतःच्या घराचा ताबा देण्यात यावा, अन्यथा आत्महत्या करेल असा इशारा या वृद्धाने दिला आहे। निवेदन दिया नितीनजी गडकरी, मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संजय खोड़के, सुलभाताई खोड़के, माननीय प्रवीण पोटे, तुषार भारतीय, किरण पातुरकर और राजापेट पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर और सीपी का निवेदन ऑफिस में नहीं रहने से पोस्ट में डाल दिए। इन सबको मैंने निवेदन भेजा है कि मेरे पे झूठा पास्को का आरोप इन्होंने लगाया है पुलिस स्टेशन वालों ने, उसको में से मुझे कृपया मदद करके वो रद्द करने का उसी रद्द करने की कृपा करे, जिससे मेरे को कुछ। तो आपने निवेदन कब किए? निवेदन मैंने दिया उसकी तो अभी 23/7 या 24/7 ऐसी कुछ, तो क्या अंदाजे तारीख बता तो पूरी कहानी है नहीं, जो निवेदन दिया उस पर तारीख वगैरह सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। और मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि मेरे पे ये झूठा आरोप जो लगाया है पास्को का, उससे मुझे मुक्ति दिला दे। और ये लोग फिर से राजकीय दबाव लाकर मेरे से फिर से झूठा गुनाह दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन वाले अधिकारी सब, वहाँ के जो भी कर्मचारी है अधिकारी है, वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यदि उन्होंने फिर से मेरे पे झूठा गुनाह दाखिल कर दिया तो मुझे आत्महत्या करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं रहेगा, क्योंकि उतनी ही जगह मेरे